हेलो फ्रेंड, दोस्तों संगत आपका हमारे चैनल आपकी फेवरेट सीरियल गो में किसी के प्यार में। ईशा मैम करेगी गृह प्रवेश सभी का। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि ईशान को पता होना है कि भोसले परिवार वाले कभी भी सभी को अपनी बहू नहीं मानेंगे, लेकिन उसके आई बाबा तो उसे सभी को पहले से ही पसंद करते हैं और वही है जो सभी को अपना सकते हैं और सभी का वही रहना ठीक होगा। इसीलिए देखने को मिलता है कि ईशान सभी को लेकर ईशा के घर पहुंचता है। बहुत तूफान आ रहा होता है, दरवाजा जैसे ही खुलता है सर ईशा मैम शॉक्ड हो जाती है। ईशान और सभी को देखकर और सभी की मांग में सिंदूर देखकर ईशान को सभी को ये सब इस तरह से देखकर यहाँ पर ईशा मैम और शांतनु दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सभी की मांग में सिंदूर देकर ईशा मैम पूजा की थाली लेकर आती है, सभी का गृह प्रवेश करवाती है। और यहाँ पर सभी के परिवार के बारे में जब ईशा मैम को पता चलता है तो वो बहुत बुरी तरह से शॉक्ड रह जाती है कि सुमृत ने किस तरह से उसे बदला लिया है। देखने को मिलता है कि बाजीराव उनको गिरफ्तार जरूर कर लेता है, लेकिन सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी सुमृत की वजह से। तो दूसरी तरफ ईशा मैम अपनी बहू सभी को अपने साथ रखते नजर आने वाली है। तो दूसरी तरफ भोसले परिवार के होश उड़ जाएंगे और रीवा के ईशान ने सभी की मांग में सिंदूर भर दिया है। तो देखने को मिलने वाला है पूरी तरह से किस तरह से कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी और ईशान अब किस तरह से ईशा मैम और शांतनु और सभी के साथ पुराने घर में पुश्तैनी घर में रहते नजर आएगा।